गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम डियर सेकंड ईयर में पेडागॉजी और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है भूगोल प्रयोगशाला की योजना। कि जो भूगोल की जो प्रयोगशाला है उसकी योजना हम किस प्रकार बनाएंगे, यानी सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें जो प्रयोगशाला का निर्माण करना है तो उसके लिए हम क्या क्या प्लान बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी हम भूगोल की प्रयोगशाला की योजना बनाएंगे तो हम उसकी स्थिति कैसी है, इसके साथ साथ इसकी बनावट या भूगोल के जो उपकरण है उसको रखने का स्थान की हमें सर्वप्रथम आवश्यकता होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रयोगशाला की स्थिति भी सही दिशा में बनी हुई होनी चाहिए, बनावट अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि भूगोल प्रयोगशाला के अंतर्गत अत्यधिक सामान होता है, अत्यधिक उपकरण होते हैं जिसका उपयोग शिक्षक द्वारा छात्रों के समक्ष किया जाता है। और हमें देखना है कि जो भूगोल की प्रयोगशाला है उसके अंतर्गत जो उपकरण काम में लिए जाते हैं उसको भी रखने का स्थान उसके अंतर्गत होना चाहिए, क्योंकि इसके अंतर्गत जो प्रैक्टिकल कार्य होते हैं वह करवाए जाते हैं जिसके लिए हम अनेक प्रकार के जो उपकरण है उसे काम में लेते हैं। इसलिए तो अब हम इसमें से पहला पॉइंट देखते हैं भूगोल प्रयोगशाला की स्थिति।
भवन के एक तरफ होनी चाहिए कि जो भूगोल की जो प्रयोगशाला है वह भवन के एक और स्थित होनी चाहिए ताकि हम उसमें निरीक्षण खेलों का निर्माण भी आसानी से कर सके, इसलिए इसको वन साइड पर स्थापित करनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रयोगशाला के अंदर इसके अंतर्गत हम आगे देखते हैं तो प्रयोगशाला के अंदर सूर्य का प्रकाश आसानी से आ सके कि प्रयोगशाला इस प्रकार बनी हुई होनी चाहिए जहां पर जो सूर्य का प्रकाश है वह सीधा आ सके और खिड़कियों से प्रकाश आने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयां नहीं आनी चाहिए। यदि कोई मैदान हो तो उसका उपयोग कई प्रकार के आउटडोर प्रयोगों के लिए
कक्षा पांच। यहां से हम क्या करते हैं, प्रवेश रास्ता, प्रवेश के लिए हम यहां रास्ता छोड़ देते हैं। फिर यहां कक्षा हमारे आ जाती है सिक्स। Thank you.
प्रयोगशाला की बनावट की प्रयोगशाला की बनावट किस प्रकार की होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि भूगोल की प्रयोगशाला की बनावट पर विचार करने के लिए हमें कक्ष में बैठने वाले जो शिक्षार्थी है उनकी संख्या या हम कहें सुविधा भूगोल प्रयोगशाला पर विचार करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसको बनाने से पूर्व हम क्या देखते हैं कि शिक्षार्थी की संख्या कितनी है, शिक्षार्थी की संख्या। सबसे पहले हम देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि जो इसके उपकरण है, इसके उपकरण है first।
जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है,